इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी एक एक चीज टाइम है आपके संयोजक पद से इस्तीफा। अंकित त्यागी इस वक्त हमारे साथ है। अंकित, पूरी खबर बताएं। निशांत, अरविंद केजरीवाल ने 27 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव में अपने एक हैंड रिटन चिट्ठी भेजी थी जो सेक्रेटरी है पंकज गुप्ता के पास, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस दिन जो दूसरा दिन था उसको माना नहीं गया था और इसी वजह से उन्होंने आज अपना इस्तीफा दोबारा फिर से भेज दिया है। जो पंकज गुप्ता है सेक्रेटरी को, ये इस्तीफा आज रखा जाएगा नेशनल एग्जीक्यूटिव में। और जो 20 लोग अरविंद केजरीवाल के अलावा हैं वो लोग इसके ऊपर वोटिंग भी करेंगे और वही लोग इसके ऊपर तय करेंगे कि ये इस्तीफा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ये बात साफ की है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की सरकार पर ध्यान देना चाहते हैं। वो दोनों जिम्मेदारियों को ठीक से समय नहीं दे पाएंगे, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साथ में ये भी कहा है कि वो इसी वजह से नेशनल एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं हो रहे हैं। जो कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है इस वजह से नहीं आ पाएंगे, वो बात बिल्कुल दरकिनार करते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसी वजह से वो आज नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं जा रहे हैं। अब 21 की जगह 20 वोटिंग मेंबर आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर भी निर्णय लेंगे और साथ ही साथ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के भविष्य के ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। देखिए, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, एक पोस्ट एक पर्सन वाली बात है, तो अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है अभी ऐसे हालात में, तो क्या ये कोशिश है कि ये मॉरल हाईग्राउंड लिया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को इस पूरे विवाद से अलग रखने की कोशिश करी है। निशांत, उन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा कि मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मेरा सारा फोकस दिल्ली की सरकार को चलाने में है और मैं उसी पर ध्यान देना चाहता हूं। तो इस बात को कहीं ना कहीं देखते हुए, अंकित, जिस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रशांत भूषण ने हाईकमांड तक के सवाल उठा दिए, जिस पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन पर बाकायदा उनके लोकपाल ने सवाल उठा दिए, उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं कि मैं सब में पढ़ना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह का वो जो 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 संदेश है वो जिस बात को जरूर देना चाहते हैं, पब्लिक परसेप्शन में तो जरूर करना चाहते हैं। आपको पता है कि बाहर आकर इसी तरह की बातें सारे नेता कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई थी, सिर्फ कल ट्वीट किया। यही बात कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। तो इन्हीं चीजों को कम से कम परसेप्शन की बैटल के लिए तो वो खेलना इस तरह से ही चाहते हैं। जाहिर तौर पर जो कैंप है, जो अरविंद केजरीवाल के क्लोज है, वो अब इस बात को लेकर अब वो चबोज ये जरूर कोशिश करेगा कि इस इस्तीफे को एक तो नकारा जाए नेशनल एग्जीक्यूटिव में और दूसरा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे संवाददाता अंकित त्यागी के अनुसार ये कोशिश, एक प्रयास ये दिखाने की कि मैं सब में नहीं पढ़ना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है। तो अब 20 लोग हैं जो कि पीएससी के अंदर ये फैसला करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के एक तो इस्तीफे पर फैसला किया जाएगा। दूसरी, देखिए, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में बहुत पहले से मशहूर है ये और बहुत पहले से कहा जाता है एक व्यक्ति एक पद, तो दो पद पर अरविंद केजरीवाल नहीं रह सकते जब वो मुख्यमंत्री भी हैं और संयोजक भी नहीं रह सकते। लेकिन आज तक का इंतजार क्यों किया गया, इसको लेकर सवाल उठने लाजमी है। आज तक अरविंद केजरीवाल ने क्यों इंतजार? पंकज जैन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। पंकज, क्या खबर आ रही है वहां से? तो ये इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है उसके ठीक पहले का ये इस्तीफा है। आपको बता दें, इसके पहले भी एक कार्यकारिणी बैठक हो चुकी है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये जिद जाहिर की वो सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। और जो विवाद पूरा उठा उसके बाद चिट्ठियां सामने आई और उसमें ये कहा गया था कि आखिर क्या दो पदों पर रहकर कोई एक शख्स काम कर सकता है, जिसके बाद ये इच्छा जताई थी अरविंद केजरीवाल ने कि वो आप अलग होना चाहते हैं इस पूरी प्रक्रिया से। तो फिलहाल जो बैठक आगे चलने वाली है उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे को स्वीकार करना है या नहीं करना है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये अरविंद केजरीवाल का एक प्रयास है अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी की खराब छवि के बीच में ये दिखाने की कि वो एक मॉरल हाईग्राउंड ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा विवाद उठा है पूरे मसले पर, अरविंद केजरीवाल अब तक चुप्पी साधे नजर आए हैं। चाहे कल के हम विवाद को ले लें या चिट्ठियों को विवाद को ले लें, वो सिर्फ यही कहते आए कि वो बहुत दुखी हैं। तो हाँ, ये जो पूरा विवाद उठा है क्योंकि फैसला हो चुका है, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो है वो पीएससी से कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं। तो पूरे मसले पर, क्योंकि योगेंद्र यादव का आपने जिक्र किया है, ये सुनते हैं वो क्या कहते हैं।